अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू समीर बर्ड्स कॉटेज एंड वेलकम टू द अनदर फिजिबिलिटी रिपोर्ट। और ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट आज हम बना रहे हैं ओपलाइंस के ऊपर। काफ़ी लोग परेशान हैं ओपलाइंस से, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ओपलाइंस का क्या फ्यूचर है, क्या है, कैसी फिजिबिलिटी बनती है इसमें आके, इसमें ओपलाइंस ब्रीड कराने में फ़ायदा है नहीं है। तो चलें फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये हमें डिसीजन लेना है कि हमने ओपलाइंस के ऊपर इन्वेस्ट क्यों करना है। तो भाई मेरे भाई, सबसे पहले आप सबसे मेन रीज़न जो है ओपलाइन के ऊपर इन्वेस्ट करने का, वो ये है कि ये एक ब्लैक आई बर्ड है और इसके चिक सर्वाइवल रेशो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। 100% भी चिक्स सर्वाइव करते हैं, मतलब 4 out of 5। लेकिन हम फिजिबिलिटी बना रहे हैं तो हम इतना ज़्यादा अच्छी चीज़ें नहीं देखते फिजिबिलिटी में, हम कम से कम ही रखते हैं। तो भी कम से कम में भी 80% सर्वाइवल इसका है बच्चों का, मतलब 4 आएंगे तो 3 तो सर्वाइव करेंगे, 5 में से 4 तो सर्वाइव कर ही जाते हैं। अच्छा, तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये ग्रीन ओपलाइन हर म्यूटेशन के ऊपर काम आती है। ग्रीन ओपलाइन हो गया या कोई भी ओपलाइन है, बेसिकली ग्रीन ओपलाइन बार बार मुँह से निकलता है, लेकिन ओपलाइंस हर म्यूटेशन पे काम आती है। कैसे काम आती है कि कोई भी म्यूटेशन है उसने बेसिक बर्ड जो आपका ग्रीन फिशर है वहाँ से लेकर डन फेलो तक हर चीज़ ने ओपलाइन के ऊपर ही इन दी एंड जाना है। तो अगर आपके पास ग्रीन फिशर है तो क्या बनेगा, ग्रीन ओपलाइन बनेगा। ब्लू फिशर है तो ब्लू ओपलाइन बनेगा। इसी तरीके से पार ब्लू है तो पार ब्लू ओपलाइन, ब्लू है तो ब्लू ओपलाइन। कोई न्यू म्यूटेशन जैसे आ जाती है, जैसे पेल है, पैलेट है, डाइल्यूट्स हैं, यू नेम इट एनी म्यूटेशन एंड इट विल गो इन ओपलाइंस। तो जो भी है, मतलब डन फेलो आ गया है तो डन फेलो भी ओपलाइन में जाएगा। कल को फ्यूचर में क्या आ रहा है, येलो फेस आ रहा है, एक्वा आ रहा है, तो सब ने ही ओपलाइंस के ऊपर जाना है। तो ओपलाइन विल बी इन डिमांड, ओपलाइन की डिमांड कहीं नहीं जाती। प्रॉब्लम ये है कि अच्छा बर्ड आपके पास होना चाहिए। जो रेट गिरता है वो पूरे बर्ड का रेट गिरा हुआ है मार्केट में, और यही ओपलाइन है जो मार्केट में शायद 8-10 हज़ार रुपये का भी मिल जाता है, और यही ओपलाइन है जो कुछ लोग 5 लाख रुपए का बेच रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग 1-1.5 लाख रुपए का तो वैसे ही आप लाहौर में मिल रहा होता है, और जो दे रहे हैं अच्छे ब्रीडर्स, आप उनसे जो लोग कहेंगे ना कि यार ये तो इतना नीचे गिर गया है, 8 हज़ार का है, लालू खेत से ले लो, भाई आप लालू खेत वाले रेट मुझे ज़रा लाहौर के अच्छे ब्रीडर से ले के दिखाएं। आप ज़रा ताहिर शेख को 20 हज़ार रुपये ऑफ़र करें और बोलें कि भाई मुझे आप ब्लू ओपलाइन दे दें या ग्रीन ओपलाइन दे दें या बेसिक सिंपल ग्रीन दे दें, किसी का स्प्लिट भी ना हो, तो आप अच्छा बर्ड नहीं ले सकते इतने कम पैसों पे, ठीक है। तो जो आपका परचेजिंग डिसीजन होना चाहिए वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जब लव बर्ड में कोई भी आप काम कर रहे हैं तो इनिशियल जो बाइंग प्रोसेस होता है ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग पैसों के चक्कर में बिल्कुल घटिया चीज़ ख़रीद के आ जाते हैं और फिर वो बिक नहीं रही होती मार्केट में। आप लोग OLX पे या इधर उधर एड्स देख ही सकते हैं, 6,000-8,000 रुपए के भी ऐड लग रहे हैं, लेकिन आप उन ग्रीन ओपलाइंस को देखें तो बंदा फ्री में भी ना ले वो ग्रीन ओपलाइंस, क्योंकि आपका टाइम और आपका शेड हर चीज़ आपकी लाइन बर्बाद कर देगा। तो थोड़ा बिल्कुल घटिया ना लें, अच्छी क्वालिटी का ओपलाइंस लें, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि क्या इनकी फेयर प्राइसिंग मैंने की है। तो अभी के हिसाब से, मतलब मैंने शो क्लास बर्ड्स का नहीं किया, लेकिन एक नॉर्मल रेंज, बिल्कुल घटिया नहीं, घटिया से ऊपर अच्छे अच्छे बर्ड्स आपको इतनी रेंज में अभी बहुत सारे अच्छे ब्रीडर्स जो है ना आपको ऑफ़र कर सकते हैं जो प्राइस मैंने रखी है। तो इस रेंज में अगर हम देखें, अगर सिंपल ग्रीन, अब फिजिबिलिटी देखते हैं इसकी, अगर सिंपल ग्रीन हम लें तो ये 20 हज़ार रुपये का आपको मेल मिल सकता है, और फीमेल 15 हज़ार रुपये तक की सिंपल ग्रीन विदाउट एनी स्प्लिट मिल सकता है, और ये पेयर आपको 35 हज़ार रुपये का पड़ेगा। तो करना क्या है, हमने इस 35 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट से में से हमें एक क्लच में 40 हज़ार का रिटर्न ईजीली एक क्लच में मिल सकता है। तो हम अब क्योंकि ओपलाइंस की रेट नीचे गिर गए, तो ये अपॉर्चुनिटी है कि आप बल्क में लगा सकते हैं। तो आप बल्क में लगाएं, अच्छे बर्ड्स लगाएं, बल्क में लगाएं, एटलीस्ट 10-10 पेयर तो लगाएं, क्योंकि कमर्शियल अगर आपने काम करना है तो क्वांटिटी होगी तो ही पैसे बचेंगे। तो एटलीस्ट अगर हम 10 पेयर लगाते हैं तो 35 हज़ार रुपये के हिसाब से हमें 3.5 लाख रुपये का हमारी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी सिंपल ग्रीन ओपलाइन के ऊपर, और एक सीज़न में हम जो है तकरीबन इससे 3 क्लचेस ले सकते हैं, तो हमारे पास 120 बच्चा होगा। तो 120 बच्चा का मतलब है पूरे सीज़न में हम 12 लाख रुपए कमा सकते हैं। अब 300 रुपए की कॉस्ट आती है हर पेयर की मंथली,
ठीक है, जो आपका मिक्स सीड होता है वो 100-150 रुपये, 125-200 रुपये किलो तक आजकल मिल रहा है, फिर बाकी के 150 रुपये भी लगा लें तो 150 बाकी मैंने लगा दिए हैं मल्टीवाइटामिन, सॉफ्ट फूड, ईच एंड एवरीथिंग वो लगा के। और क्योंकि हम आज की जनवरी है, आज अगर हम जनवरी में बर्ड्स खरीदते हैं तो वो एडल्ट होते होते जो है वो अगस्त या सितंबर हो जाएगा, उसके बाद फिर जब वो ब्रीड करेंगे सीज़न में तो 6 महीने और ले लेंगे, तो मैंने पूरा 18 महीने की कॉस्ट ले ली है। तो आपके 10 पेयर जो हैं 18 महीने तक आपको 54,000 रुपीज़ कॉस्ट करेंगे। फिर क्योंकि फिजिबिलिटी बना रही थी, हमने कहा यार 20% मोर्टैलिटी भी हो जाएगी, तो हमने मोर्टैलिटी को भी लेस कर दिया, तो भी 3.5 लाख रुपये की इन्वेस्टमेंट से हम 9 लाख रुपये तक का रिटर्न ले सकते हैं, जो कि ROI 260%, 59%, 260%, मतलब 2.5 गुना आपकी इन्वेस्टमेंट 1.5 साल में डबल हो जाएगी। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड फिजिबिलिटी। इसी तरीके से हम अगर स्प्लिट ब्लू लेते हैं, ग्रीन ओबलाइन स्प्लिट ब्लू, तो ये तकरीबन 45,000 रुपये तक के हमें पेयर पड़ेगा, और इसका हमारा जो है रिटर्न जो है इसका थोड़ा ज़्यादा है, नहीं इसका थोड़ा सा रिटर्न कम बन रहा है, 4.5 जो है लाख रुपए की हमारी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी इसमें, और हमारा रिटर्न जो है मंथली हम 95,000 तक इसमें कमा सकते हैं। 4.5 लाख की इन्वेस्टमेंट आपकी तकरीबन आपको 11 लाख रुपए रिटर्न आ सकते हैं। इसी तरीके से अगर ये मैंने सारे अपलाइंस को इसलिए यहाँ पे इकट्ठा कर दिया है कि सिर्फ ग्रीन की बनाता तो फिर किसी के पास अगर ज़्यादा पैसे हैं तो वो उसके हिसाब से ज़्यादा लगा ले, ठीक है, ऊपर की म्यूटेशंस लगा ले। तो इसी तरीके से आप ब्लू अपलाइन का फिर 60,000 रुपये तक फिर मिल जाना चाहिए अच्छी क्वालिटी में, और इसी तरीके से पार ब्लू अपलाइन है तो वो 80,000 रुपये तक मिल जाना चाहिए। तो 8 लाख रुपये की इन्वेस्टमेंट है पार ब्लू का, अगर आपने सेटअप लगाना है पूरा का पूरा, तो पार ब्लू आप लगा लें। पार ब्लू के अंदर जो है आपके ब्लू भी निकलते रहेंगे, पार ब्लू भी निकलते रहेंगे, कुछ अगर ब्लू टू बन गए तो फिर एक और चांदनी लग जाएगी। तो हर चीज़ तो फिजिबिलिटी में कवर नहीं हो सकती, लेकिन आई होप कि ये रिटर्न जो है अगर आप पार ब्लू में लगाते हैं सबसे महंगा आइटम जो है, तो 8 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है और तकरीबन जो है आपके 20 लाख रुपए तक का रिटर्न आपको 1.5 साल के बाद मिल सकता है। तो बताएं और किस बिज़नेस में इतने पैसे मिलते हैं। तो इस गिरी हुई मार्केट में भी ओपलाइंस में इतनी अच्छा पोटेंशियल है, और इसमें फिर आप और ऐड कर सकते हैं, इसमें यूविंग्स ऐड कर सकते हैं तो वो और ऐड हो जाएगा। फिर बाकी ओपलाइंस में डिफरेंट म्यूटेशन, डिफरेंट न्यू म्यूटेशन के साथ आप इनको मर्ज कर सकते हैं, तो आपकी फिजिबिलिटी और अच्छी हो जाएगी। क्योंकि अभी हम ओपलाइंस की बात कर रहे हैं, तो ओपलाइंस में देखें जो है तकरीबन जो है 250 ROI के साथ आपको रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। इस चार्ट को मज़ीद आप डिटेल में भी देख सकते हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा रिटर्न है ग्रीन ओपलाइंस का, वर्सेस अगर आप कोई रेड आई बर्ड लेते हैं तो उसका सर्वाइवल इतना अच्छा नहीं है, लेकिन ओपलाइंस की आप फौज की फौज खड़ी कर सकते हैं, 10 पेयर से पूरी फौज खड़ी हो जाएगी 1 साल में। अगर वो होल्ड आपने कर ली तो नेक्स्ट ईयर और 5,000 का भी ग्रीन ओपलाइन बेचेंगे तो बहुत अच्छी रिटर्न के ऊपर खड़े हुए होंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, फिजिबिलिटी आपको हेल्प करेगी डिसीजन मेकिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।